हेलो नमस्कार वेलकम टू ऑल ऑन एडुको ग्रेविटी स्टडी चैनल आई होप यू ऑल डूइंग वेल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक का फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947 यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट हमारी फॉर्म हुई थी उनमें जो पोर्टफोलियो के मेंबर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके वो किन किन पोर्टफोलियोज के हेड बने थे उस चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विसेज के लिए और स्टेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिलिम्स में यहां से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं तो चलिए डिटेल को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो था वो 15 अगस्त 1947 को स्वर्ण मतलब शपथ लिए थे जिसमें टोटल 14 मिनिस्टर थे जो हमारे लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर कौन थे जवाहरलाल नेहरू जी ठीक एम क्या था टू रिप्रेजेंट अ डायवर्स रेंज ऑफ कम्युनिटीज एज वेल एज बैकग्राउंड ये पिक्चर है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया कुछ इस तरह से ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्बुल कलाम आजाद हमारे सरदार बलदेव सिंह जी जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी इंडिया की फर्स्ट कैबिनेट फीमेल मिनिस्टर आपकी राजकुमारी अमृत कौर जी और सरदार पटेल जी इन लोग थे और बाकी एडिशनल पोर्टफोलियो को जो हेल्प किए थे उन लोगों के पिक्चर्स हैं चलिए अब देख लेते हैं फर्स्ट हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने साथ ही साथ इनके आपके हिस्से में आया एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च प्राइम मिनिस्टर जो भारत का प्रधानमंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो जो भारत की विदेश नीति है उसके भी ये हेड थे कॉमनवेल्थ रिलेशंस कॉमनवेल्थ रिलेशंस ग्रुप उन कंट्रीज को कहा जाता है जो ब्रिटेन के अधीन रही है यानी कि जिन कंट्रीज को ब्रिटेन ने अपना कॉलोनी बना रखा था उन सभी कंट्रीज के ग्रुप को कॉमनवेल्थ ग्रुप्स कहा जाता है और साइंटिफिक रिसर्च को यानी कि देश में जो हमारी साइंस तकनीकी है उसको प्रमोट करने का जो डिपार्टमेंट है उसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू जी बने थे हम सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं इंडिया की आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ठीक और ये 1947 से लेके 64 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ठीक फिर जो दूसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट के ये हेड थे ठीक अब थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम सरदार क्यों कहते हैं क्योंकि जो ये मूवमेंट किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी बरदौली गुजरात में उसके बाद से उसको उसके ये प्रमुख रहे तो उसके बाद से इन्हें सरदार जी की उपाधि दी गई सरदार जी का मतलब होता है चीफ हेड ओके इनिशियली जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो लॉयर थे इनिशियली अपने टाइम पे फिर उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम किया है इंडिया के जो भी हमारे मोर देन 500 हंड्रेड प्रिंसली स्टेट से हम सभी को पता है उसको किस तरह से स्किलफुली हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंटीग्रेट किया और इंडिया को इंडियन यूनियन बनाया ठीक देन फिर हम बात करेंगे कि बहुत स्किलफुल थे एक बहुत बेहतरीन डिप्लोमेट थे ठीक एंड बात करते हैं जो हमारा प्रिंसली स्टेट था जो फ्रेगमेंटेड था उसको किस तरह से इन्होंने इंटीग्रेट किया ये हम सभी जानते हैं डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ठीक फिर उस टाइम इन्होंने डाइवर्स जो चैलेंजेस थे उसको कैसे स्किलफुली टैकल किया था यानी कि हैंडल किया था हम सभी जानते हैं इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को इन्होंने किस तरह से मेंटेन किया पार्टीशन के टाइम में रिफ्यूजीज के री रिफ्यूजीज को रिहैबिलिट किया बहुत अच्छी तरह से ठीक जो आपके कम्युनल टेंशन है उसको बहुत तरह अच्छी तरह से हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे अपने टाइम में उसको परफेक्टली हैंडल किया था देन हम बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थे डिसिव एक्शन लेते थे किसी से डरते नहीं थे नेशनल यूनिटी को हमेशा फर्स्ट रखते थे आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी हमारे सरदार पटेल जी माने जाते हैं जो इनका स्टैचू बना है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में ये सिंबलाइज करता है स्टैचू और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को ठीक देन हम बात करेंगे जो थर्ड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मिनिस्टर रहे फिर आगे फर्स्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी थे ये आपका इनका जन्म हुआ था 18, 18, 18, 1888 को मक्का से तो ये सऊदी अरेबिया से इंडिया आए थे, थे? आ, स्किलफुल थे लिटरेचर में में ये सारी इनकी कुछ खासियत है उर्दू न्यूज़पेपर इन्होंने चलाया था अल हिलाल ये हमें पता होना चाहिए ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि अल हिलाल के राइटर कौन थे तो ये हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे देन हम बात करेंगे आपका फिफ्थ जो थे डॉक्टर जॉन मथाई ये इंडिया के फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं ये केरला से साउथ इंडिया के केरला स्टेट से आते हैं इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो इनिशियल तो यहाँ केरला मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था फिर उसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी फिर मद्रास यूनिवर्सिटी में अपना करियर एज अ प्रोफेसर इन्होंने स्टार्ट किया था फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस और स्टेटिस्टिक्स ये बने रहे फिर नाइनटीन में ये टाटा ग्रुप को वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील अंडर जे टाटा को ज्वाइन किए थे 1940 में फिर ये जो हमारा जो जो फाइव ईयर प्लान बन रहा था बॉम्बे प्लान में तो उसके की, उसके भी ये की ऑथर रहे हैं डिटेल ब्लूप्रिंट बनाया था इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बॉम्बे प्लान जो कि 1944 में रिलीज हुआ था ठीक ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फिर हम बात करेंगे जो हमारे आर के शनमुघम चेट्टी जो है ये इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे ये हमें पता होना चाहिए ठीक देन जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे भीमराव अम्बेडकर जी इनका पूरा नाम है बाबा साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं अपने अपने अर्ली लाइफ में क्योंकि ये जो उस टाइम के हिसाब से मैं बता रही हूँ जो ये एक बैकवर्ड कास्ट सिस्टम सिस्टम का शिकार हुए हैं बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने सहा है फिर भी ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने बियर करके अपने लाइफ में बहुत आगे गए हैं हम सभी को पता है अपनी पढ़ाई इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन से की है ये हमें पता होना चाहिए ठीक एंड यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन से इन्होंने पढ़ाई की है अपना और हमें पता है कि ये इन्होंने बहिष्कृत हिताकर्णी सभा बनाया था और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भी संस्थापक रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो कि हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे फिर हमारे आते हैं लेबर जो मिनिस्टर थे उनका नाम था जगजीवन राम जो जीवन राम जो जी थे इनको हम बाबूजी के नाम से भी जाने जाते हैं ये आपके इंडिया के बिहार स्टेट से आते हैं शेडवल कास्ट से आते हैं तो इन्होंने भी अपनी जो लाइफ में बहुत उस टाइम के हिसाब से बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा है लेकिन ये उन डिस्क्रिमिनेशन को एंड्योर करके अपने लाइफ में पॉलिटिकल सिस्टम पे आगे बढ़े और जो भी डिप्रेस क्लास थे उन लोगों के लिए ये बहुत काम किए हैं जगजीवन राम जी की जो बेटी हैं मीरा कुमार वो इंडिया की फर्स्ट लोकसभा स्पीकर फीमेल बनी है हमें पता होना चाहिए फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जो कि जगजीवन राम जी की डॉटर हैं फिर बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह जी की जो कि एक डिफेंस में हमारे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे यानी कि रक्षा मिनिस्टर रक्षा मंत्री फिर हम बात करेंगे राजकुमारी अमृत कौर जो कि प्रिंसेस इन हर नेशन सर्विस जानी जाती हैं ये कपूरथला के जो पंजाब स्टेट का जो प्रिंसली स्टेट है वहां के प्रिंसली स्टेट फैमिली से बिलोंग करती ये इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी एम्स इन्होंने ही बनवाया था इन्हीं के टेन्यूर में जो दिल्ली का एम्स है वो बनाया गया था हेल्थ की बात करें तो उस टाइम से ही इन्होंने विमेन हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया ये उस टाइम से ही हेल्थ इंडिया का भी जो भी हेल्थ कैटेगरी है इन्हीं के डिपार्टमेंट का था और इंडिया के जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में साइंस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाके के इंडिया में किस तरह से हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस बनाया जाए बहुत बड़ा योगदान इन्होंने अपने इस टाइम में एज अ हेल्थ मिनिस्टर दिया है फिर जो है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वाणिज्य जो मिनिस्टर थे मंत्री थे वो थे सी एच भाभा वाणिज्य मिनिस्ट्री का क्या काम होता है कि आपके देश में एक्सपोर्ट को बढ़ाना बिजनेस को बढ़ाना देश में ठीक इन सब चीज़ को देखना फिर रफ़ी अहमद की दल ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम हमारे फर्स्ट कैबिनेट के फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये इंडस्ट्रीज और सप्लाईज़ के आपके मिनिस्टर थे इंडस्ट्रीज़ का मतलब कि जो भी इंडस्ट्री है उसको स्टैब्लिश किया जाए इंडिया को इंडिया का पहले जो हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो मोस्टली जो था वो कृषि प्रधान मतलब एग्रीकल्चर पर हम डिपेंड होते थे तो ये सब इनके काम का ये मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई जाए ठीक और एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए फिर फोर्थ और फाइनल जो है वो वी एन गार्डगिल थे जी थे इनके ये हेड थे वर्क्स माइंस और पावर मिनिस्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी जो भी हमारे खदान है कोयल कोल ये सारी चीजों के ये हेड थे तो ये तो न फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया उनके मेंबर्स और जो भी पोर्टफोलियो उनके थे उस चीज का डिटेल होप आपको समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए